हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है बादल। मैं तो आज मैं आप लोग के लिए नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो दोस्तों, बहुत लोग ऐसे हैं जो ढोलक बजाते होंगे, कीर्तन भजन में थोड़ा ना थोड़ा बहुत कोशिश कर ही रहे होंगे और थोड़ा बहुत बजा भी लेते होंगे। जब गाना स्लो होता है तो उसमें कुछ ना कुछ उठान भी लगा लेते होंगे, कुछ ना कुछ टुकड़े भी लगा लेते होंगे और गाने को एंड करने के लिए कुछ ना कुछ उन लोगों ने बना रखा होगा। लेकिन जब गाना बहुत ज़्यादा फास्ट बजने लग जाता है तो उसमें लोगों को बजाने में हालत पतली हो जाती है। पहली बात प्रॉब्लम आती है, हाथ में बहुत दर्द होने लग जाता है। दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि इतने फास्ट में कोई बोल बनाने का सोचने का उनको टाइम ही नहीं मिलता इतनी जल्दी। जिस जगह पे आप चाहते हो कि यहाँ पे, हाँ जी यहाँ पे कुछ लगाना चाहिए, तब तक जगह निकल जाती, इतना फास्ट गाना चलता है। तो दोस्तों, इसी प्रॉब्लम का मैं निवारण लेके आया हूँ। फास्ट से फास्ट गानों के अंदर उठान कैसे लगाना है, कैसा उठान सबसे ज़्यादा सूट करेगा और हाथ में दर्द भी नहीं होगा। दूसरी चीज़, बीच बीच के अंदर जो टुकड़े लगते हैं, आसान वाले टुकड़े, और गाने को फास्ट गाने को आसानी से कैसे बंद किया जाए, उसका बहुत बढ़िया सा ट्रिक लेके आ चुका हूँ और कुछ टुकड़े लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, वो चीज़ें क्या है मैं आपको पहले मैं बचा के बता दूँ। सबसे पहले मैं आपको उठान बताना चाहूँगा जो कि बहुत फास्ट गाने में भी लगता हो, जैसे दुगुन टाइप के गानों के अंदर, और हाथ में दर्द भी ना हो। तो देखिए दोस्तों, नागिन धुन पे बताता हूँ मैं, जैसे कि और ये हाथ में आ गया तो किसी भी फास्ट गाने को आप ये उंगलियों पे उठा दोगे, उंगलियों पे दौड़ाओगे, उंगलियों पे नचाओगे लोगों को। वो चीज क्या है, जैसे मान लीजिए कोई गाना पकड़ा, आपको जगह पकड़नी, कैसे थपकी वाला उठाने दमदार भी है, अगर चाहता तो बिना थपकी के भी बता सकता, लेकिन दमदार चीज हमको लेनी है। क्या बोल है, बोलने में तो आप लोग को बड़ा कठिन लग रहा होगा। और एक बात और सुनिए, मैं इतना फास्ट कैसे बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस बोल को बोल बोल के मैंने खुद रियाज किया है। जब मैंने सीखना स्टार्ट किया था, इस बोल को बोल बोल के मैंने हमेशा रियाज किया है। तो आपको आपको भी क्या करना है, ये बोल को जब मैं सिखाऊं आप लोगों को, तो घर पे केवल शुरुआत में बोल बोल के ही बजाना है, तभी जाके ये बोल आपको, जब तक अंदर से नहीं आएगा तब तक बाहर से नहीं बजा पाओगे, ठीक है। तो बोल बोल के रियाज करना है। क्या बोल है, पहले बोलना सीखिए, अगर आप इस तरीके से बोल पा रहे, थोड़ा सा भी अंश आ रहा है तो समझ लीजिए बजा लेंगे। धिन ता ता ता, धिन ता ता ता, तकड़ी ता तकड़ी के ता गे तकड़ी धिन तनक धिन धा, ठीक है, ठीक है जी। क्या बोल है, धिन ता ता ता, तकड़ी ता तकड़ी के ता गे तकड़ी, बोल ठीक है, समझ में आ गया होगा। कैसे बजेगा, नीचे के थ्री फिंगर को ऐड करेंगे और ये बेस ओपन बजाएंगे, धिन बजा लोगे, धिन इसको केवल टच करना, बहुत लोग इसको तेज मारते हैं, ऐसे मारते हैं तो बोल खराब हो जाता है। तो क्या बात, बोलना है बिल्कुल हल्का सा, देखिए ती की आवाज इतनी आनी चाहिए बस, और बेस जोर से बजना चाहिए, धिन धिन, फिर ता ता ता, तीन बार ता, धिन ता ता, धिन एक दो तीन, धिन एक दो तीन, ठीक है, बजा लोगे। धिन पे आपको नीचे की थ्री फिंगर और बेस ओपन बजाना है, और तीन बार जो ता लगेंगे उसके अंदर फर्स्ट फिंगर को ऐसे मारना है और ये स्लैब को बंद करके बजाना है, धिन ता ता ता, धिन ता ता ता, बजा लोगे, धिन ता ता ता, इसको दो बार बजाना है, धिन ता ता ता, धिन ता ता ता, बजा लोगे। फिर उसके बाद मेन चीज आती है, तकिट ता तकिट केता गे तकिट, ऐसे बजेगा ये, तकिट ता तकिट केता गे तकिट। अब देखो, धिन ता 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 समझ में आ गया होगा, उसको अगर नहीं समझ में आया तो बार बार रिपीट कर करके देखिए, और अब ये देखिए कैसे बजेगा, तकिट ता तकिट केता गे तकिट, त की त ता, बजा लोगे, त की त ता, त की त, इतना आना चाहिए, इतना ही तो सिंपल है, कोई कठिन नहीं, इसके बाद वाला कठिन है थोड़ा सा। देखिए कैसे बजेगा, त की त ता, एक साथ, त की त, फिर उसके बाद के ता, के ता, ये झटके से लगना चाहिए, ओपन बजेगा,
बस इतना ही है। क्या बोल, पूरा फिर से समझिए। फिर उसके बाद कैसे बजेगा, थोड़ा सा स्पीड में लाते, थोड़ा सा धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। इसको जब भी कोई नागिन धुन स्टार्ट हो या फिर कोई बढ़िया सा गाना स्टार्ट हो, शुरुआत में लगा दो। या फिर कोई गाना, जैसे जैसे कोई एक कोई फास्ट गाना ले लो, जैसे कि मान लो नरे ना 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 नरे ना, जैसे कि नरे ना नरे ना नरे नरे नरे। इस टाइप का कोई गाना जो, या फिर वो जग में टूट पड़ी माँ काली, इस टाइप का वो जग में टूट पड़ी माँ काली, इस टाइप के गानों को, इस चीज को बजाना है, ठीक है, जो थोड़ा सा फास्ट हो। अब अगर इस टाइप का गाना, जब जो लोग जिनको नहीं पता होता है और ये टाइप का गाना आ जाता है, ऐसे ढबर ढबर करेंगे और हाथ दर्द हो जाता है। मैंने बहुत लोग को देखा, जब मैं बजाने जाता हूँ ढोलक प्रोग्राम के अंदर, तो कुछ ना कुछ शौकीन लोग होते हैं, बोलते हैं कि सर थोड़ा सा मौका दीजिए हमको भी बजाने के लिए। तब उनको देते हैं, तुम तो ऐसे ऐसे बजाएंगे, बजता ही नहीं उन लोगों से और हाथ थक जाता है उन लोगों का, है ना। तो वही चीज़ है, जब तक आप कोई चीज़ ट्रिक नहीं सीखोगे, वो बजानी कैसे है, तब तक वो नहीं बजा पाओगे। अपने आप नहीं आती है ढोलक, उसको सीखना पड़ता है, तब जाके आती है। बहुत लोग ऐसे होते, 10-10 साल 20-20 साल लोग सीख रहे होते हैं बिना किसी गुरु के, और ऐसे ही बजाने लग जाते हैं। अब तो देखो वीडियोस का जमाना है, लोग वीडियो से ही देख के सीख जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को भी ऐसे करना है, मतलब बिना ऐसे करोगे ना, सोचोगे कि आप ऐसे बजाते बजाते सीख जाओगे, ऐसा नहीं है। देखो एक उठान क्लियर है। अब एक आप लोगों को मैं बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही ज्यादा आसान, बच्चा बच्चा बजा सकता है इस चीज को। ये कैसा टुकड़ा है, गाने के बीच में लगाया जाता है, मैं बजा के बताता हूँ आपको। देखिए गाना लगेगा, गाना नॉर्मल ठेका बजाता हूँ, सा ये एक टुकड़ा है। आप इसको बजाएंगे तो बहुत ज्यादा प्रोग्राम के अंदर रंग ला सकते हो आप। क्या बोल है, उसको सीखने से पहले दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि एक बहुत ही सुंदर सी चमचमाती हुई आप लोग को बिल्कुल प्योर पक्के शीशे में आप लोग को ढोलक दिखाई दे रही होगी। और इसका सबसे ज्यादा मेन चीज ये है कि ये डिमांड पे बनवाई गई है। एक भाई थे जिन्होंने कहा था कि मुझको इसका पेट 36 ही चाहिए, तो मैंने उनके लिए 36 ही बनवाया। लंबाई 19 मांगी थी उन्होंने, लेकिन मुझ पे 18.5 हमारे इधर एरिया में मिलती है, तो मैंने बोला कि भाई 18.5 मिल पाएगी, तो उन्होंने बोला ठीक है 18.5 भी चलेगी। वैसे तो 18 बेस्ट रहती है, लेकिन 18.5 उन्होंने मांगा, तो बिल्कुल 18.5 मैंने बनवा दिया। और चाटी बिल्कुल 7.25 की चाटी और बेस 9.25 का, और बिल्कुल जबरदस्त आवाज आ रही है, आप लोगों ने सुना भी होगा इसका। तो देखिए बिल्कुल प्योर पक्के शीशे में, और इसमें पूरा भी बिल्कुल मोटे खाल का मैंने लगवा रखा है। पूरा भी ना, पता है दो टाइप के पूड़े होते हैं। एक टाइप का पूड़ा होता है जो कटेल का होता है, कटेल का चमड़ा, मतलब वो भैंसे का चमड़ा होता है, भैंसे के बच्चे के, बड़े वाले भैंसे का तो चमड़ा लगा ही नहीं सकते, वो जो भैंसे के बच्चे मर जाते हैं ना उनकी खाले लगाई जाती है। तो बड़े बड़े जितने भी म्यूजिक वगैरह, जैसे गिरीश मिश्रा जी हो गए, बड़े बड़े कलाकार जो लोग होते हैं, वो यही वाला पूड़ा लगवा के बजवाते हैं वो लोग। और एक होती है बकरे की खाल, जो बकरे की खाल नॉर्मल प्रोग्राम में बजाए जाते हैं, वो थोड़ी हल्की खाल होती है, बजा सकते हो उसको भी। लेकिन जो सबसे बेस्ट क्वालिटी होता है वो कटरे की खाल होती है, कटेल बोला जाता है, कटरा बोला जाता है, ठीक है जी। तो वो वाली कटरे की खाल मैंने लगवाई है इस ढोलक के ऊपर, और जो बेस है बकरे का ही लगवाना पड़ता है, क्योंकि जो चाटी वाला खाल अगर बेस पे लगवा दोगे तो बेस आप बजा ही नहीं पाओगे, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो अपने पैटर्न पे बढ़ते हैं। क्या बोल बताया था मैंने, धिनता 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 तकिता तकित नहीं धिनता 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 तातिता तिता तता धिनता। अब देखो मैं जितने भी बोल आप लोग को मैं करवाता हूँ, उस बोलों में क्या खासियत होती है कि मैं खुद जो बोल रहा हूँ तो बिल्कुल इतनी तेजी से कैसे बोल पाता हूँ, ये बात मैंने पहले भी बताया कि बिना बोले अगर आप बोल बजाओगे ना, तो बोल आप ज्यादा दिन तक नहीं रख पाओगे अपने पास। अगर बोल के बजाओगे तो एक एक बोल आपकी नसों नसों में जाके बैठ जाएगी, और ये बोल कभी भूलोगे नहीं। क्या बोल है, धिनता 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 धिनता, 4 बार धिनता है, फिर ता तिता तिता ता तिता तिता तिता
तीन बार ताती है, फिर उसके बाद ता है, फिर धिनता 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 ता तिता तिता तता धिनता। अगर ये सीख गए तो और मजा आ जाने वाला है, ठीक है। मैं समझा देता हूँ, बहुत सिंपल बोल है, बच्चा भी मजा लगेगा इसको, बस याद करने वाला काम है। देखिए धिनता 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 धिनता, चार बार बजाना, धिनता 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 धिनता। इसका आप रियाज करते रहिए, पहले इतना ही रियाज कीजिएगा, धिनता 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 धिनता। फिर उसके बाद पार्टी 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 धिनता 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 पार्टी पार्टी। नहीं, दो बार ताती बजाए और तीसरे पे ता बज गया है। ये चीज बजा हुआ है, धिनता 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 चार बार, फिर ताती ताती ता, फिर उसके बाद ताता धिधि ता, ये बजा हुआ है। एक बार और स्टार्टिंग से समझाता हूं, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, एक बार और देखिए, धिनता धिनता, ये ता पे क्लोज बेस लग रहा, बंद वाला बेस लग रहा, ओपन बेस नहीं लग रहा, धिनता धिनता, ये चार बार बजा लोगे, फिर उसके बाद ताती, क्लोज बेस लगा है, बजा लोगे ताती ताती ता। मेन चीज ध्यान रखना, ती पे बिल्कुल हल्का उंगली लगना चाहिए, ताती ताती ता। फिर उसके बाद ताता, दो बार ताता है, ताता झटके से ताता धी धी ता। ये चीज बोले बस इतना सही है, ताता धी धी ता। अगर केवल ताता धी धी ता भी बजाओगे तो काम चलेगा, हो गया ना। तो क्या बोल है, एक बार मैं बजाता हूँ धीरे धीरे, आप लोग मेरे साथ साथ रियाज कीजिएगा, धिनता 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 ता तिता तिता ता धिनता 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 ता तिता तिता ता धिनता 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 ता तिता तिता ता धिनता। ठीक है जी, बहुत सुंदर पैटर्न था, इसको बहुत ज्यादा रियाज करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप थोड़ा बहुत रियाज करके इसको छोड़ देंगे तो काम नहीं आने वाला, इसमें रियाज ज्यादा लगेगा, और इन दो चीजों में से ये सबसे ज्यादा आसान है, और इससे पहले वाला थोड़ा सा सीखना मुश्किल होता है लेकिन उसको बजाना बड़ा आसान होता है, लेकिन ये सीखना आसान होता है लेकिन बजाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है जी, अच्छे से रियाज कर लीजिएगा, और सिंपल सा पैटर्न है, और आप लोग के लिए इतनी गर्मी में वीडियोस बनाता हूं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोग को किस प्रकार की वीडियो चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो, थैंक यू दोस्तों।